जलजूनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश के साथ झालावाड़ में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार 14 सितंबर को राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया गया। झालावाड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रातः गोमती सागर तालाब जलरा पाटन पर आयोजित हुआ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी जलाशयों के समीप ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर अजीत सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि जल ईश्वर का तत्व है, इसका मानव जीवन में बड़ा महत्व है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में इस वर्ष जल संग्रहण की स्थिति अच्छी रही है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने राजस्थान जल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। देखिए, आज तो जल महोत्सव की बात है, लेकिन वो तो हमारा सतत कार्यक्रम है और इसकी में जो भी इनके कैचमेंट एरिया में या इनके बहाव क्षेत्र में या इनके किनारों पर जो भी अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और कई अतिक्रमण हटाए भी गए हैं और आगे भी इसके निरंतरता में जो शेष अतिक्रमण है उनको हटाए जाएंगे। देखिए, इस बार जो इंद्रदेव की कृपा राजस्थान पर रही है और जिसका परिणाम है कि पूरे ही राजस्थान में सभी जगह काफ़ी अच्छी बारिश है, जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, बड़े बांध हैं, तालाब हैं, सारे भर चुके हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज जलजूलनी एकादशी के अवसर पर जितने भी बड़े बांध और जितने भी बड़े तालाब हैं उनके ऊपर हम लोग इकट्ठा होकर के उन तालाबों की पूजा अर्चना करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि जो हमारे तालाब बांध हैं उनको किस तरह से हम साफ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से उनकी मर्यादा बनाए रख सकते हैं और जल संचय कर कैसे इस जल का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण के प्रति आम जन की सहभागिता बढ़ाने एवं ईश्वर का आभार ज्ञापित करने के लिए ये जल महोत्सव आज पूरे राजस्थान में आयोजित किया गया है और उसी कड़ी में जो जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम था वो यहाँ झालरापाटन में गोमती सागर तालाब के किनारे पर रखा गया। इसके अलावा ज़िले के अन्य बांधों यथा भीम सागर है, छापी है, माधवी है, राजगढ़ है, गागरी है, जो भी हमारे बांध तालाब जहाँ भी हैं वहाँ पर भी सभी जगह ऐसे ही कार्यक्रम रखे गए हैं।